क्वेश्चन को करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है कि पहले सबसे पहले तो टोटल वर्क आप फाइंड करते हैं, है ना। टोटल वर्क जब आप फाइंड करते हैं तो आपका है 20, 24 और 30 का एलसीएम आता है 120, है ना, क्योंकि वो तीनों के टेबल में है। फिर वहां से आ जाती है उनकी एफिशिएंसी, ठीक। अब उन्होंने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तब भी तो काम कंप्लीट हो गया ना। 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तब भी काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर वो 4 दिन पहले ना छोड़ता, मान लो वो 4 दिन पहले ना छोड़ते दोनों के दोनों, तो 4 दिन तक और काम करते। अगर 4 दिन तक और काम करते तो 120 से एक्स्ट्रा काम हो जाता कि नहीं, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी बिफोर कंप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब हम उनसे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे और उनका जो एक्स्ट्रा काम होगा वो टोटल वर्क में जोड़ देंगे। अब कैसे कि हमारे पास 20, 24 और 30 ये वैल्यूज हैं और इनसे हमारा एलसीएम आता है 120। एलसीएम अगर 120 आता है तो यहाँ से आ जाते हैं हमारे 6 यूनिट और यहाँ से आ जाते हैं हमारे 5 यूनिट और यहाँ से आ जाते हैं हमारे 4 यूनिट, है ना। तो अब क्या है, अगर पिक्चर यही है, पिक्चर तो यही है ना, काम इतना ही है। अब इतने पोर्शन में काम है कितना, 120 है ना, क्योंकि हमने टोटल वर्क कितना निकाला है 120। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हम ये बोलेंगे जाओ आपको 4 दिन पहले नहीं छोड़ेंगे, 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। अब यहां से यहां तक ये काम फिनिश हो रहा है, हमने क्या किया कि ए और बी से 4 दिन तक अगर हम और काम करवाते तो वो और कितना काम कर जाते बेटा, वो 6 यूनिट बनाता है, वो 5 यूनिट बनाता है, वो कितना काम कर जाते, 44 वर्क और कर जाते। इतने काम एक्स्ट्रा हो जाते ना, एक्स्ट्रा हो जाते। तो अब हमने क्या करना है, 120 तो थे ही टोटल काम, अगर 44 और कर दें वो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 164 हो जाएंगे। अब आप इन तीनों से इसको डिवाइड कर दो, 6 और 5 11 और 4 15। हाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। देखो सिर्फ एक ही ट्रिक है, वहीं से आपका आफ्टर वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा और वहीं से आपका बिफोर कंप्लीशन वाला भी सॉल्व हो जाएगा। जब ऐसा आए कि दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर सम डेज, पहले हमने दूसरे तरीके से किए क्वेश्चंस, वो उस तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन अब अगर आपने इसको साथ में लेके चलना है, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे मर्ज हो जाए वैल्यू, जहां पे एक पर्सन 4 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है और दूसरा पर्सन जो है काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, जो आफ्टर वाला केस है उसको तो टोटल वर्क में से हटा दो, मतलब उसको अपने फ्रेम में से ही निकाल दो बाहर, उसको ये बोल दो कि अगर तूने सिर्फ 4 दिन काम करना है तो जा देर से 4 दिन भी काम नहीं करवाना, ठीक है। दिमाग में ये रखो कि एहसान थोड़ी ना लेना है 4 दिन तक काम करके, हम सारा दिन का सारा काम करते रहे और वो 4 दिन का काम करके निकल जाए, है ना, तो एहसान नहीं लेना उससे, 4 दिन का काम उससे नहीं करवाना, उसकी एफिशिएंसी निकाल देनी है बाहर। और जो बिफोर कंप्लीशन वाला केस है उसकी एफिशिएंसी साथ में लेके आने, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ एक ऐसा जहां पे आफ्टर भी हो और जहां पे बिफोर कंप्लीशन भी हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, लिखिए, नोट कर लीजिए इसको। आ गया आंसर, कितना आ गया, 164 है ना, तो 15 से 10 पे चला जाएगा, कितने पे जाएगा, 10 पे ही जाएगा, 150 आ जाएगा
और बचेगा कितना, 14 बचेगा, तो 14/15, 10 is to 14/15, यही आंसर है सभी का। ठीक है, नोट कर लो और आगे चलते हैं।